हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के ऐसे 6 रीजनल सेंटर्स के बारे में जिनकी तरफ से आपके दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए असाइनमेंट सबमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दोस्तों, इन रीजनल सेंटर्स की तरफ से क्या बताया गया है कि आपको अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करवाने हैं या फिर ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन जमा करवाने हैं तो ऑनलाइन किस तरीके से जमा करने होंगे, अगर ऑफलाइन जमा करने हैं तो किस तरीके से जमा करने होंगे। साथ ही दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट एक्सटेंशन के बारे में। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले तो बात करेंगे उन रीजनल सेंटर्स के बारे में जिनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सबसे पहले तो बताया था दोस्तों जोधपुर रीजनल सेंटर के बारे में। जितने भी स्टूडेंट्स जोधपुर रीजनल सेंटर वाले हैं, उन सभी को अपने असाइनमेंट्स ऑफलाइन जमा करवाने होंगे, उनकी हार्ड कॉपी जमा करवानी होगी अपने अपने स्टडी सेंटर्स पे। यहाँ पे जोधपुर रीजनल सेंटर की तरफ से आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए जो लास्ट डेट दी गई है उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। हालांकि आपके असाइनमेंट जमा करवाने के लिए 30 सितंबर की लास्ट डेट रहती है, लेकिन अभी उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा क्योंकि काफ़ी ऐसे रीजनल सेंटर्स हैं जो कि अभी ये कह रहे हैं कि उन्हें अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करवाने हैं, तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों मदुरई रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। मदुरई रीजनल सेंटर की तरफ से भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सर्कुलर जारी किया गया था उसमें यह बताया था कि आपको अपने असाइनमेंट्स अपने अपने स्टडी सेंटर पे मैन्युअली जाके खुद से जाके जमा करवाने हैं या फिर स्पीड पोस्ट से या फिर किसी कुरियर के थ्रू। इसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। दोस्तों, आप चाहें तो लास्ट वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स मदुरई रीजनल सेंटर वाले हैं, आपको अपने असाइनमेंट हार्ड कॉपी में ही जमा करवाने होंगे। जोधपुर रीजनल सेंटर के और मदुरई रीजनल सेंटर दोनों के स्टूडेंट्स को अपने हार्ड कॉपी में असाइनमेंट्स जमा करवाने होंगे। साथ ही दोस्तों, मदुरई रीजनल सेंटर की तरफ से आपके असाइनमेंट जमा करवाने के लिए लास्ट डेट को भी यहाँ पे मेंशन किया गया था 30 सितंबर 2020। अभी इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उसके बारे में आगे पता चलेगा। दोस्तों, इसके बाद में अभी बात करते हैं दिल्ली 3 रीजनल सेंटर के बारे में। दिल्ली 3 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए काफ़ी पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। आप सभी के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी कि आपको अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करवाने होंगे। आपको अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करने के लिए लास्ट डेट दी गई थी 30 सितंबर। जैसा कि आप जानते हैं कि 30 सितंबर तक आप अपने असाइनमेंट जमा नहीं करवा पाएंगे क्योंकि काफ़ी रीजनल सेंटर्स की तरफ से आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। इसलिए दोस्तों, आपकी इस लास्ट डेट को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि कुछ ऐसे रीजनल सेंटर्स हैं जिनकी तरफ से ऑलरेडी आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट एक्सटेंशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, लेकिन अभी तक जोधपुर रीजनल सेंटर, मदुरई रीजनल सेंटर और दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की गई। जो भी स्टूडेंट्स इन तीनों रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अभी इसके बाद में दोस्तों, जो नया रीजनल सेंटर है उसके बारे में बात करते हैं, पुणे रीजनल सेंटर। दोस्तों, पुणे रीजनल सेंटर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के असाइनमेंट सबमिशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शंस दे दिए गए। आप यहां पे ये जो न्यूज़ एंड इवेंट्स में नोटिफिकेशन डाला गया है, इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स फॉर दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस, आप इसे क्लिक करके और इसकी इन्फॉर्मेशन, इसका जो सर्कुलर जारी किया गया है, इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। बेसिकली जनरल इंस्ट्रक्शंस में ये बताया है कि आप अपने असाइनमेंट्स बनाने के लिए जो A4 साइज़ के पेपर है उसको यूज़ कर सकते हैं। आपका पेपर रूल्ड या फिर अनरूल्ड हो सकता है। हालांकि मैंने ये पहले आपको वीडियोस में बताया हुआ है कि किस तरह के पेपर्स आपको यूज़ करने हैं, लेकिन दोस्तों पुणे रीजनल सेंटर की तरफ से जो नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है, इसमें क्लियरली ये मेंशन किया है कि आपको अपने असाइनमेंट जमा करवाने के लिए 3 मेथड दिए जाएंगे, लेकिन आपको तीनों में से किसी भी एक मेथड से ही अपने असाइनमेंट जमा करवाने होंगे। दोस्तों, इसके लिए एक मेथड तो ये रहेगा कि आप बाई हैंड अपने स्टडी सेंटर पे जाके अपने असाइनमेंट्स को हार्ड कॉपी में जमा करवा दें। दूसरा मेथड ये रहेगा कि आप अपने असाइनमेंट्स को अपने स्टडी सेंटर के एड्रेस पे बाई पोस्ट भेज दीजिए। तीसरा तरीका रहेगा दोस्तों गूगल फॉर्म का। गूगल फॉर्म के लिए आपको अपने असाइनमेंट्स लिखने होंगे, फिर उन्हें उनकी फ़ोटो क्लिक करके स्कैन PDF बनानी होगी। PDF को फिर आप
अपने घर बैठे या किसी साइबर कैफे की हेल्प से आप उन्हें गूगल फॉर्म में अपलोड कर पाएंगे। दोस्तों, गूगल फॉर्म में किस तरीके से अपने असाइनमेंट्स अपलोड करने हैं, इसके बारे में पहले से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख के और अपने असाइनमेंट्स जमा करवा सकते हैं। लेकिन तीनों में से किसी भी एक तरीके से ही आपको अपने असाइनमेंट्स को जमा करवाना होगा। दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स थ्रू ईमेल और थ्रू गूगल ड्राइव इज़ नॉट एक्सेप्टेड। पॉइंट नंबर 14 में आप क्लियरली ये देख सकते हैं, आप अगर आरसी पुणे को अपने असाइनमेंट्स ईमेल करते हैं या गूगल ड्राइव का जो लिंक उन्हें फॉरवर्ड करते हैं तो आपके असाइनमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, आरसी पुणे की तरफ से आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए लास्ट डेट को भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि आपके असाइनमेंट जमा करवाने के लिए 31 अक्टूबर की लास्ट डेट दी जाएगी। जितने भी असाइनमेंट्स हैं, जितने भी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनमें लास्ट डेट मेंशन होती है, आप उन सभी लास्ट डेट को इग्नोर कर दीजिए, उन्हें भूल जाइए और आपके असाइनमेंट जमा करवाने के लिए 31 अक्टूबर की लास्ट डेट रहेगी। और उसके बाद में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट, मतलब उसके बाद में आपकी लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आप अपने असाइनमेंट्स को अगर अपने स्टडी सेंटर पे जमा करवाते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी गई है, और आप अगर बाई पोस्ट करवाते हैं तो उसके लिए भी जो आपके स्टडी सेंटर्स हैं उनका एड्रेस के लिए यहाँ पे एक लिंक दे दिया गया है। आप अगर गूगल फॉर्म से जमा करवाते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पे एक लिंक दे दिया गया। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, जो एक नया रीजनल सेंटर है, देवगढ़ रीजनल सेंटर, इसकी तरफ से भी आपके असाइनमेंट जमा करवाने के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन दोस्तों, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। फिर भी दोस्तों, एक बार हम इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेते हैं। असाइनमेंट नोटिस फॉर दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस। इस नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि आपको अपने असाइनमेंट्स ऑफलाइन जमा करवाने होंगे अपने स्टडी सेंटर्स पे। अगर आप अपने असाइनमेंट्स को ऑफलाइन जमा करवाने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो आप अपने असाइनमेंट्स को ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन जमा करवाने के लिए अभी तक आपके रीजनल सेंटर की तरफ से कोई भी डेडिकेटेड ईमेल आईडी नहीं दी गई। और दोस्तों, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जो खास दी गई है, असाइनमेंट सबमिटेड इन रीजनल सेंटर ईमेल आईडी विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर इवेल्यूएशन। आप अगर अपने जो आरसी देवगढ़ की ईमेल आईडी है उस पे अगर अपने असाइनमेंट्स को मेल करते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए आप थोड़ा टाइम और इंतज़ार कर लीजिए। अगर आपको अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करवाने हैं तो उसके लिए अलग से कोई ईमेल आईडीज या फिर गूगल फॉर्म की फैसिलिटी दे दी जाएगी। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं, नेक्स्ट एक रीजनल सेंटर है, अहमदाबाद रीजनल सेंटर। अहमदाबाद रीजनल सेंटर की तरफ से भी आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। यहाँ पे अनाउंसमेंट्स में इसका लिंक दिया हुआ है, असाइनमेंट सबमिशन इन्फॉर्मेशन, आप इसे क्लिक करके और पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये भी 29 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन इसमें कहीं पे भी आपकी लास्ट डेट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। यहाँ पे लिखा गया है कि आप सभी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट हार्ड कॉपी में अपने अपने स्टडी सेंटर्स पे जमा करवाना होगा। या तो आप मैन्युअली जाके जमा करवा दीजिए या फिर आप स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर से भी जमा करवा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एनी अपडेट ऑन एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग इग्नू ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in। कि आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन अगर कुछ नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो इसके लिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आप इग्नू की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसे टाइम टाइम पे चेक करते रहिए। या फिर दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी रीजनल सेंटर्स अभी बच गए जिनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, आप अगर उन रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों, आप कुछ दिनों का इंतज़ार कर लीजिए, आप अपने असाइनमेंट्स बना के तैयार रखें। जैसे ही आपके रीजनल सेंटर की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो हम आपको यहाँ पे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे और उस टाइम पे आप अपने असाइनमेंट्स को जमा करवा पाएंगे। और दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।